बच्चों, अभी सेकेंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि फिजिक्स ऑप्टिक्स क्या है और उसके पार्ट्स क्या हैं, और वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको क्या पढ़ना है कि द रे ऑफ लाइट विच ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए लाइट विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ये तीन टॉपिक हम इधर पढ़ने वाले हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिकल मीडियम, फिर डेफिनेशन छोटे छोटे देख लिए थे, ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, ओपेक बॉडी क्या है, ट्रांसलूसेंट बॉडी क्या है, होमोजीनियस मीडियम क्या है, हेट्रोजीनियस मीडियम क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइसोट्रोपिक मीडियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक? आइसो मीन्स सेम, मीन्स द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोट्रोपिक मीडियम। सो फर्स्ट विल हियर विल सी आइसोट्रोपिक मीडियम। सो इन दिस मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। देन एनिसोट्रोपिक मीडियम, व्हाट दिस एनिसोट्रोपिक मीडियम सेज, इट सेज दैट द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। सो एनिसोट्रोपिक मीडियम व्हाट इट सेज, इट इज दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हियर इज वॉट, क्रिस्टल क्वार्ट्स, क्रिस्टल क्वार्ट्स और वी विल से कैलासाइट क्रिस्टल, कैलासाइट्स। ओके, दीज आर द मटेरियल्स इन विच इट इज कॉल्ड एज वॉट, एनिसोट्रोपिक मीडियम। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स इट इज एन ऑप्टिकल मीडियम विच अलाउज द मेजर पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, विच विल अलाउ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, विच विल अलाउ द मेजर पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। क्लियर हो गया? अभी ये सब क्या है, दीज आर द स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द लाइट। नेक्स्ट कम्स द रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट मीन्स दिस रे ऑफ लाइट इज एन एरो ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट विच रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट, विच विल रिप्रेजेंट द एरो and the arrow indicates the direction of the light. Suppose I am drawing this straight line, and if I give the arrow like this, so what it indicates, the ray of light is coming from this direction to this direction, so it is moving in this particular direction, so this is called as what, ray of light, which shows the path, which shows with an arrow, it represents the path of light and it represents what, arrow. So direction in which light is propagating, I am giving this path, this is the ray of light, इसको हम क्या कहेंगे, ray of light. So if next is the beam of light, ray of light में क्या होगा, single path is there, now this represents what, beam of light, this beam of light is what, number of lines or number of light rays is called as what, beam of light. आइदर दे विल बी पैरलर, हाँ जो बीम ऑफ लाइट है या तो पैरलर तो रहेगा, कन्वर्ज तो रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज वॉट, कन्वर्जिंग, या फिर डाइवर्ज तो रहेगा, डाइवर्ज मीन्स इन दिस वे, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मीन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज वॉट, converging, and diverging means from one point all the rays of light are coming out, that is called as a converging, and this is called as a parallel beam also, in which the ray of light parallel to each other,
So parallel beam is that particular beam in which the ray of light will be parallel to each other. Clear हो गया? अभी converging भी clear हो गया. Converging means it is the ray of light which meets at a point. ये ray of light है, ये meet कर रहा है यहाँ इस point पे. So these rays of light are called as the converging. And diverging means from this point all the rays of light are initiating or origin of that point. Diverging rays of light will which will divide the line. Line को क्या कर रहा है? इस पार्ट में डाइवर्ज कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइवर्जिंग पॉइंट. ओके, सो दीज रेज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग रेज. दीज रेज आर कॉल्ड एज व्हाट? कन्वर्जिंग रेज. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज इमेज. इमेज मीन्स व्हाट? इमेज मीन्स ए रे ऑफ लाइट वेयर द ऑल दे आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. ओके, सो इमेज मीन्स वॉट? इट इज़ ए पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अभी ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स वॉट? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ें हैं, हमको डिटेल में पढ़ना है. सो बिफोर स्टडिंग दिस फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन. सो इमेज मीन्स व्हाट? ए पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है और जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इमेज. क्लियर हो गया? अब जो इमेज है, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, वन इज द रियल इमेज एंड अनदर इज द वर्चुअल इमेज. नाउ रियल इमेज मीन्स व्हाट? नाउ इमेज वी हैव टू स्टडी अबाउट इन डिटेल, दैट इज रियल इमेज. व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? बिकॉज दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, मीन्स दीज पॉइंट्स वी विल बी यूजिंग इन आवर डेरिवेशन इन दिस होल चैप्टर. तो रियल इमेज क्या करते हैं? इट इज़ दैट इमेज दैट कैन बी सीन एंड कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज किसे कहेंगे? उस इमेज को कहेंगे जो कि स्क्रीन के ऊपर हम ले सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं और वी कैन कन्वर्ज, और वी कैन से द रे ऑफ लाइट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग. द रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज क्या रहता है? दे आर इन्वर्टेड. फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे कैन बी टेकन कॉट ऑन स्क्रीन. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज दैट दे कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन. सेकेंड थिंग दे कैन द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज. एंड थर्ड दे आर इन्वर्टेड. रियल इमेज क्या क्या कैसे रहते हैं? रियल इमेजेस आर दोज रेज ऑफ लाइट विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जिसे हम ले सकते हैं. ओके, सेकेंड थिंग द रेज ऑफ लाइट विच आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट. ओके, एंड थर्ड थिंग दिस रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. कैसा इमेज रहेगा इसका? इन्वर्टेड है. तो ये रियल इमेज हो गया. रियल इमेज क्या हो गया, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इज द वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज विच कैनॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर उसको हम नहीं ले सकते हैं. सो कैनॉट बी कॉट on screen, and they are what? Diverging rays. Clear? Okay, they are formed by the appearing to be diverge. What will happen? They form by the rays of light that appear to diverge. They will appear to diverge. And third point is that these virtual images are always erect. Seedha dikhta hai. Okay, रियल इमेजेस क्या दिखता है? उल्टा दिखता है, इन्वर्टेड. इस तरह से इमेज आते हैं. और एरेक्ट इमेजेस लाइक दिस. ओके,